हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है पूजा और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो साड़ीज पे होने वाली है, फेस्टिवल स्पेशल साड़ियां हैं। वैसे भी फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं तो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ही ये हॉल होने वाला है। सभी साड़ियां मैंने मीशो से परचेज करी है तो इन सभी का कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मीशो पे कोड के थ्रू ही शॉपिंग होती है, यहाँ पे लिंक अवेलेबल नहीं होते हैं। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। रेफरल कोड मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप एक बार जरूर चेक कर लिएगा। और अगर अभी तक आपने मीशो ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार जरूर चेक करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दे, कॉमेंट भी कर दे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और हाँ, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो साइड में जो बेल आइकॉन होता है उसको भी प्रेस कर दे, ऑल पे प्रेस कर दे, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यूजर नेम स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे सबसे पहले जो साड़ी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है बनारसी लुक की साड़ी है। प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, और ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में साड़ियां हैं। इसमें इस तरह का वीविंग वर्क है, नीचे की साइड भी इस तरह का बॉर्डर मिलेगा, ऊपर की साइड भी आपको बॉर्डर मिलेगा। बॉर्डर पे जो वर्क है वो वीविंग के टाइम जो वर्क होता है जरी के धागे का, वो वाला वर्क है। और इस पूरी साड़ी में आपको ये वाले मोटिफ मिल जाएंगे। ये जो मोटिफ है ये पूरी साड़ी में है, और पल्लू जो है उसका लुक भी आपको ऐसे ही मिलेगा, सेम इसी तरह के मोटिफ में इसका पल्लू मिल जाएगा। पल्लू का लुक भी बहुत प्यारा है, और इसमें जो ब्लाउज है ना वो आपको इस तरह का मिलेगा। तो बहुत ज्यादा ऐसे वर्क वाला ब्लाउज नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको इस तरह से वर्क वाला ब्लाउज मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी साड़ी में बहुत बड़े बड़े मोटिफ हैं, तो ब्लाउज इन्होंने बारीक प्रिंट में दिया तो ये अच्छा लग रहा है। और इसके साथ आपको ये बॉर्डर भी मिलेगा, बॉर्डर का जो लुक है ना वो बहुत प्यारा है। ब्लाउज की जो लेंथ है वो आपको 90 सेंटीमीटर मिल जाएगी, लेंथ आपको अच्छी मिल जाएगी। इसकी जो डिजाइन है वो भी सुंदर है, और इसके बाद आपको इतना गैप इसमें मिलेगा, तो 1 मीटर के आसपास इसमें गैप मिलेगा, उसके बाद ये वर्क वाला फैब्रिक इसमें स्टार्ट हो जाएगा। बैक से जो इसका लुक है वो इस तरह का है। एक्चुअली पिछली वीडियो में मुझे कमेंट आए थे कि बैक से नहीं दिखाते, बैक से भी दिखा, बट ये एक नॉर्मल सी बात है कि जब बनारसी या इस तरह की साड़ियां लेते हो तो उनपे अगर इस तरह का वर्क हो रखा है, जरी का वर्क हो रखा है, तो आपको बैक में इस तरह से थ्रेड दिखेंगे, क्योंकि ये जो वर्क है ना ये आपको प्रिंट नहीं मिल रहा है, ये वीविंग के टाइम पे ही वर्क हो रहा है। जितना ज्यादा फ्रंट में ये वर्क मिलेगा, बैक से आपको थ्रेड वर्क भी उतना ज्यादा मिलेगा। तो अगर आप बनारसी कोई भी साड़ी देख रहे हो तो आप देखोगे जितना ज्यादा फ्रंट में वर्क है उतना ज्यादा बैक में इसमें थ्रेड होंगे ही। तो ये इस तरह की जो बनारसी साड़ियां होती है जिनमें सेल्फ प्रिंट होता है, उनमें आपको इस तरह से ये जो धागे होते हैं वो मिलते ही हैं। अगर मैं ओवरऑल साड़ी की बात करूं तो साड़ी का लुक अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, पैटी के बाद लुकिंग बहुत अच्छी आती है। रेड कलर है तो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग कलर है, आप इसको आराम से फेस्टिवल्स में स्टाइल कर सकते। नेक्स्ट जो साड़ी है वो ये होने वाली है, ये भी बनारसी लुक की साड़ी है। कलर इसका बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन है ना इसके वर्क का और साड़ी का वो बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें भी आपको ऑल ओवर वीविंग वर्क मिलेगा, प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और इसमें इस तरह का बॉर्डर है, ऊपर की साइड जो बॉर्डर है ना उसकी विड्थ कम है, नीचे की साइड जो बॉर्डर है उसकी विड्थ ज्यादा, और पूरी साड़ी में आपको ये वाले मोटिफ मिलेंगे। पूरी साड़ी पे आपको इसी तरह के मोटिफ मिलेंगे, और इसका जो पल्लू है उसका जो लुक है वो भी बहुत प्यारा है, बहुत ही कलरफुल सा आपको ये पल्लू मिलेगा। बैक से इसमें इस तरह का आपको वर्क मिलेगा, ऑब्वियस है वीविंग वर्क है तो आपको ये थ्रेड इसमें मिलेंगे, और इसका जो थ्रेड है वो बहुत ज्यादा ऐसे निकले हुए थ्रेड आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका जो वर्क है ना वो बहुत ही पतला वर्क है, तो उस वजह से बैक के जो थ्रेड है वो निकले हुए नहीं है। इस साड़ी का जो ब्लाउज है ना वो इस तरह का है, ब्लाउज आपको बहुत ही कलरफुल सा और बहुत ही हैवी वर्क में मिलेगा, तो मैंने ये ब्लाउज इसमें स्टिच करवा लिया। इसमें आपको फैब्रिक में ही मिलेगा इस तरह का, इसमें पूरा आपको ये प्रिंट मिलेगा, जो भी इसमें वर्क है वो वीविंग वर्क ही मिलेगा, जिस तरह से इसके पल्लू में है वैसा ही वर्क आपको इसके ब्लाउज में मिलेगा। ब्लाउज की जो लेंथ है वो आपको 80 सेंटीमीटर से ज्यादा मिलेगी, उसमें आपको ये बॉर्डर भी मिल जाएगा, तो आप ट्राई ऑन में जब आप इस ब्लाउज को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप चाहो तो उस तरह से भी इसको स्टिच करवा सकते हो। अदरवाइज अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई और डिजाइन में स्टिच करवाना चाहो तो वैसे भी करवा सकते हो। ब्लाउज का लुक बहुत प्यारा है, इसको आप अलग साड़ियों के साथ भी पहन सकते हो।
और इस साड़ी के साथ भी इसका लुक जो है ना वो बहुत प्यारा आ रहा है। अगर मैं ओवरऑल साड़ी की बात करूँ तो ये साड़ी बहुत प्यारी है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, बहुत ही कंफर्टेबल से लुकिंग बहुत प्यारी है। ब्लाउज आपको एकदम हैवी लुक में मिलेगा, तो ब्लाउज की वजह से साड़ियों का जो लुक होता है ना वो और भी ज्यादा आ जाता है। तो ओवरऑल जो साड़ी है ना मुझे बहुत अच्छी लगी, आप आराम से इसको फेस्टिवल में स्टाइल कर सकते। नेक्स्ट जो साड़ी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है, इसका जो फैब्रिक है वो भी आपको बनारसी ही मिलेगा, प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। इस तरह का वर्क है, ये जो वर्क है ना आपको वीविंग वर्क मिलेगा, पूरी साड़ी में ऐसा ही वर्क मिलने वाला है और ऊपर नीचे आपको सेम ऐसा ही बॉर्डर मिलेगा। तो ये है ना डिफरेंट टाइप की साड़ी लगी, एक्चुअली इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, तो अगर आप मॉडर्न स्टाइल से भी इसको पहनते हो तो इसका जो लुक आता है ना बहुत प्यारा आता है। इसमें पल्लू आपको ऐसा मिलेगा, मतलब ऑल ओवर टाइप का ही है, बट इसमें आपको नीचे की साइड पल्लू में ये बॉर्डर मिल जाएगा, जिससे इसके पल्लू का जो लुक है ना वो बहुत प्यारा आ रहा है। इतना एरिया आपको इसमें प्लेन मिलेगा, 1 मीटर के आसपास आपको इसमें प्लेन एरिया मिलेगा, उसके बाद ये जो वर्क वाला फैब्रिक है इसमें स्टार्ट हो जाएगा। और इस साड़ी के साथ जो ब्लाउज है ना वो भी आपको बहुत प्यारा सा मिलेगा, जिस तरह का इसका बॉर्डर है ना वैसा ही इसमें ब्लाउज है, ब्लाउज का जो लुक है वो बहुत प्यारा है। साथ में आपको ये बॉर्डर भी मिल जाएगा, 90 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर ये ब्लाउज था, ब्लाउज की लेंथ और विड्थ दोनों ही अच्छी मिलेंगी। मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से निकला हुआ जो ऑफ शोल्डर टाइप का होता है उस तरह का ब्लाउज इसमें स्टिच करवाया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मॉडर्न और स्टाइलिश सा लुक इस ब्लाउज के साथ इस साड़ी का देना था, तो मैंने इस तरह इसको स्टिच करवाया था। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको स्टिच करवा सकते हो, ओवरऑल जो ब्लाउज का लुक है जब आप ट्राई ऑन में देखोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। बैक साइड से आपको ये साड़ी इस तरह की मिलेगी, फैब्रिक इसका सॉफ्ट है और बहुत मोटा फैब्रिक नहीं है, पतला फैब्रिक ही है। अगर मैं ओवरऑल साड़ी की बात करूँ ना तो साड़ी एकदम मॉडर्न स्टाइल की भी लगती है, ट्रेडिशनल भी लगती है, आप इस पे किस तरह से ब्लाउज स्टाइल करते हो उस पर डिपेंड करता है। लुकिंग अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, कंफर्टेबल है, आप आराम से इसको फेस्टिवल में पहन सकते हो, अदरवाइज दिवाली वगैरह के बाद जो गेट टुगेदर होते हैं उनमें भी आप इसको स्टाइल करके जा सकते हो, बहुत प्यारा लुक है। नेक्स्ट जो साड़ी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है, इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। बनारसी लुक की साड़ी है और इसमें भी आपको ये वीविंग वर्क ही मिलेगा, फिर इस तरह का बॉर्डर मिलेगा, नीचे की साइड जो बॉर्डर है उसकी विड्थ ज्यादा, ऊपर की साइड जो बॉर्डर है उसकी विड्थ कम है। बॉर्डर का जो लुक है ना वो बहुत प्यारा है और पूरी साड़ी में आपको ये वाले मोटिफ इसमें मिलेंगे, पूरा आपको ऐसा ही इसमें वीविंग वर्क मिलने वाला है। अगर मैं इसके पल्लू की बात करूं तो इसका जो पल्लू है वो भी आपको इस तरह का मिलेगा, पर्पल कलर का आपको पल्लू मिलेगा, पल्लू की डिजाइन भी बहुत प्यारी है और इसका जो ब्लाउज है ना वो आपको इस तरह से मिलेगा। तो ब्लाउज में आपको पर्पल कलर भी मिलेगा और आपको ये रानी कलर भी इसमें मिलेगा, साथ में आपको बॉर्डर भी मिल जाएगा, तो आप 2 कलर आपको इसमें मिलेंगे, तो आप आराम से इनको अच्छे से डिजाइन करवा सकते हो इस ब्लाउज को। उसके बाद अगर आप इसमें से ब्लाउज का फैब्रिक निकला लेते हो तो उसके बाद आपको इतना एरिया इसमें प्लेन मिलेगा, उसके बाद ये साड़ी इसमें स्टार्ट हो जाती है। बैक साइड से जो इसका फैब्रिक है ना वो इस तरह से, क्योंकि इस साड़ी में पूरी में ही ये बहुत ज्यादा हेवी सा जो वीविंग वर्क है वो हो रखा है, तो बैक से भी आपको ये इतना ही ज्यादा इसमें ये जो थ्रेड वर्क होता है वो इसमें दिखेगा। अगर मैं ओवरऑल साड़ी की बात करूं तो कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, लुकिंग अच्छी है, आप आराम से इसको फेस्टिवल वगैरह में स्टाइल कर सकते हो, मेन जो फेस्टिवल होते हैं ना उनमें भी स्टाइल कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप गेट टुगेदर कर रहे हो तो उसमें भी स्टाइल कर सकते हो, अच्छी सी ज्वेलरीज के साथ पहनोगे तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा, कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा। नेक्स्ट जो साड़ी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है, इसकी जो प्राइस है ना वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, और फैब्रिक आपको इसका बनारसी मिलेगा और इस तरह से इसमें वीविंग वर्क है, बॉर्डर आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप का बॉर्डर मिलेगा क्योंकि ये अलग से इसमें मोटिफ दिया गया है, ऊपर नीचे दोनों साइड ही आपको ये बॉर्डर मिलेगा और पूरी साड़ी पे आपको छोटे छोटे से इसमें मोटिफ भी मिल जाएंगे। इसमें जो भी वर्क हो रखा है ना वो वीविंग वर्क ही आपको पूरी साड़ी में मिलेगा, और इसका जो पल्लू है वो भी बहुत ही प्यारा सा है, इसमें इस तरह का आपको पल्लू मिलेगा, पल्लू का जो लुक है ना वो भी बहुत प्यारा सा है, बहुत ही कलरफुल सा आपको पल्लू मिलेगा, तो पल्लू का लुक मुझे बहुत अच्छा लगा, जब आप ट्राई ऑन में देखोगे तो पल्लू आपको प्रॉपर इसमें समझ में आ जाएगा, और इसमें आपको इतना प्लेन एरिया भी मिलेगा, तो 1 मीटर के आसपास आपको इसमें प्लेन एरिया मिलेगा, उसके बाद ये वर्क वाली साड़ी इसमें स्टार्ट हो जाती है। इस साड़ी का जो ब्लाउज है ना वो बहुत ज्यादा स्टाइलिश है, तो मैंने इसका ब्लाउज स्टिच करवा लिया था, तो ब्लाउज इसका इस तरह से, तो ब्लाउज में आपको पूरा ये वर्क मिलेगा, दोनों साइड के लिए वर्क मिलेगा और इसमें आपको ये वाला बॉर्डर भी मिल जाएगा, तो ये जो वर्क था आगे पीछे दोनों साइड के लिए मैंने यूज करा है और इसमें स्लीव्स मैंने
मैंने प्लेन इसमें लगवाई है। तो ये प्लेन और वर्क दोनों फैब्रिक आपको इसमें ब्लाउज में मिलेंगे। 80 सेंटीमीटर से ज्यादा आपको ब्लाउज मिल जाएगा। इसका जो नेक है ना वो एक्चुअली इसमें बना हुआ ही मिलेगा, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसका नेक बनवाया है। ट्राई ऑन में जब आप देखोगे तो प्रॉपर ये समझ में आ जाएगा। ब्लाउज का जो प्रिंट है ना वो बहुत प्यारा है और ब्लाउज का कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। तो इस साड़ी के साथ जो इसका लुक आ रहा था ना बहुत प्यारा आ रहा था। तो ओवरऑल जो साड़ी है ना वो बहुत ज्यादा प्यारी है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, लुकिंग बहुत अच्छी आ रही थी और एकदम जो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग लुक आता है ना कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइन, उसके अकॉर्डिंग ही ये साड़ी है। तो आप आराम से इसको फेस्टिवल वगैरह में स्टाइल कर सकते हो। बैक साइड से जो ये साड़ी है ना वो आपको इस तरह की मिलेगी। नेक्स्ट जो साड़ी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है, ये भी बनारसी लुक की साड़ी है। प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और इस पे भी आपको वीविंग वर्क मिलेगा। ऊपर नीचे दोनों साइड आपको ये बॉर्डर मिल जाएगा, बॉर्डर की विड्थ भी आपको सेम मिलेगी और इसमें आपको इस तरह के मोटिफ मिलेंगे। ये साड़ी एक्चुअली दो प्रिंट आपको मिलेंगे, इस तरह का प्रिंट भी मिलेगा और इस तरह का प्रिंट भी आपको इसमें मिलेगा। जहां से हम प्लीट्स लेते हैं वहां पे आपको ये प्रिंट मिलेगा और वहां पे जो इसका बॉर्डर है नीचे की साइड उसकी विड्थ भी आपको ज्यादा मिलेगी और डिजाइन भी आपको इसमें डिफरेंट मिलेगी। और जहां से ये वाला पल्लू जाएगा ना वहां पे जो डिजाइन है वो आपको इस तरह की मिलेगी। तो प्लीट्स की साइड जो डिजाइन है वो डिफरेंट मिलेगी और पल्लू जो लेते हैं वो उसकी जो डिजाइन है वो डिफरेंट मिलेगी और इसमें आपको इस तरह का पल्लू मिलेगा। पल्लू की डिजाइन भी बहुत प्यारी है और नीचे की साइड जहां से हम ये प्लीट्स लेते हैं ना वहां पे आपको इतना एरिया इसमें प्लेन मिलेगा, 1 मीटर के आसपास ये एरिया आपको इसमें प्लेन मिलेगा। उसके बाद आपको ये वर्क वाला फैब्रिक इसमें स्टार्ट हो जाएगा। ये साड़ी भी एक्चुअली जिनका ब्लाउज डिफरेंट होता है ना उस तरह की है, तो इसमें भी मैंने ब्लाउज स्टिच करवा लिया था। इसमें आपको ये वाला फैब्रिक भी मिलेगा और वर्क वाला फैब्रिक भी मिलेगा और ये बॉर्डर भी आपको मिलेगा। मैंने यहाँ पे वर्क वाला फैब्रिक यूज करा है, स्लीव्स पे भी मैंने इस तरह से इसको यूज करा है, ये बॉर्डर इसमें यूज करा है। नेक मैंने इसमें पूरा पैक ही बनवाया, बैक हुक बनवाए। ब्लाउज की जो लेंथ है वो आपको 80 सेंटीमीटर से ज्यादा मिल जाएगी, तो इसकी लेंथ और विड्थ दोनों ही आपको अच्छी मिल जाएगी। ट्राई ऑन में जब आप इस ब्लाउज को देखोगे तो आपको प्रॉपर इसका लुक समझ में आएगा। तो आप चाहो तो इस तरह से भी इसको बनवा सकते हो। बैक साइड से जो साड़ी का लुक है ना वो आपको इस तरह का मिलेगा। अगर मैं ओवरऑल साड़ी की बात करूँ तो ये साड़ी बहुत प्यारी है। इसका जो लुक है ना वो धूप छाया टाइप का है, तो आपको 2 शेड इसमें दिखेंगे। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लुकिंग बहुत अच्छी है, ब्लाउज का जो लुक है वो भी बहुत प्यारा आ रहा है। इसको आप बहुत अच्छे से स्टाइल करोगे तो एकदम जो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग साड़ी होती है ना उस तरह की साड़ी है। फैब्रिक भी अच्छा है, सॉफ्ट फैब्रिक है, तो आप आराम से इसको स्टाइल कर सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन इस तरह का आप दिवाली हो, करवा चौथ हो, उनमें भी आप इसको पहन सकते हो। आज के हॉल में मैंने आपके साथ फेस्टिवल के अकॉर्डिंग साड़ियां शेयर करी हैं। इन साड़ियों की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इनमें आपको डिफरेंट टाइप के ब्लाउज मिलेंगे और साड़ियों के जो ब्लाउज डिफरेंट होते हैं ना तो उन साड़ियों का जो लुक आता है ना वो और भी अच्छा आता है। तो आप इनको आराम से फेस्टिवल वगैरह में स्टाइल कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग ये साड़ियां हैं। बहुत प्राइजी साड़ी नहीं है तो आप आराम से इनको ले सकते हो। फैब्रिक लुकिंग सबके अकॉर्डिंग मुझे अच्छी लगी और आपको इनमें से सबसे अच्छी कौन सी लगी मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।